हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। इट्स वेरी इजी टू मेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्याज लिया है, एक टमाटर जिसके बीज निकाल लिए हैं, और एक बड़ी शिमला मिर्च इस तरह से काट ली है। मैं एक कप गाढ़ा दही, इसमें हम डालेंगे अपना लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और साथ ही डालेंगे हम एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये यहाँ कलर देने के लिए है, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, ये डाल देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन। बेसन को भून के हम इसमें डालेंगे। 2 छोटे चम्मच कस्तूरी मेथी, इसे फिर से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से। और साथ ही डालूंगी मैं एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। यहाँ मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है। आधा नींबू का रस, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इसे डाल के मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर डालेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रिज में इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे मिनिमम 2 आवर्स। इसे हम फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हम वुडन स्क्यूज लेंगे इस तरह से, और इस तरह से शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पनीर के क्यूब को अरेंज करके हम इस तरह से इसे अरेंज करेंगे। यूँ देखिए, जो वुडन स्क्यूज हैं मैंने पानी में भिगो के रखे थे, और उसके बाद मैंने इस तरह से इस पे सब्जियां और पनीर अरेंज किए हैं। अब एक नॉनस्टिक पैन पे हम बटर ग्रीस करेंगे इस तरह से, इसे अच्छा गर्म करेंगे, और इस तरह से अपने वुडन स्क्यूज जिस पे हमने अपने पनीर टिक्का अरेंज किया है, इस तरह से एक एक करके रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में हम इसको इस तरह से पलटते जाएंगे ताकि ये सब तरफ से पक जाए, और इस तरह से हम बटर का, मैंने यहाँ अमूल बटर यूज़ किया है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। हम बीच बीच में वो अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें और ये अच्छे से सिक जाए। हमें चारों तरफ से इसको पकाना है इस तरह से। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और चारों तरफ से पकाना है इस तरह से। हम इसे बीच में पलटते जाएंगे
देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये अच्छे से पक रहा है। इसके लिए जो मैंने गाढ़ा दही यूज़ किया है, अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो आप दही को किसी कपड़े में टांग लीजिए, उसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। करीब 3-4 घंटे के बाद जो दही बचेगा वो आपका हंकर्ड कहलाया जाता है। और इस तरह से देखिए ये हमारा पनीर टिक्का तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।